व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिक्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे अमेजिंग दमदार और कमाल एप्स दैट विल मेक योर फोन वेरी नाइस, जो कि आपको फोन में अच्छे फीचर्स ला देंगे और लोग भी आपसे पूछेंगे कि इस ऐप का नाम क्या है। सो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट एक नए अंदाज से। और ये हमारा नया सेटअप है, छोटा सा सेटअप है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपके पहले आपके पास सबसे पहले पहुँच पाए। ज़्यादा समय न लेते हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों जो सबसे पहला ऐप है उसका नाम है स्पार्क पोस्ट, जो कि अडोबी की तरफ से आता है। और इसमें आपको ये स्पेशल फीचर मिल जाता है कि इसमें आपको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, जिनको आप पूरी इंडिपेंडेंट तरीके से एडिट भी कर सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं स्क्रॉल कर आपको दिखा रहा हूँ कि इस ऐप में ऐसी क्या कुछ बातें हैं। तो दोस्तों ये ऐप बड़ा ही अच्छा है अगर आपने इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पे अपना प्रूफ जमाना है और लाइक्स फॉलोअर्स वगैरह बढ़ाने हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट ऐप है वो है हमारा गेमिंग ऐप, जिसका नाम है लाइट इट अप, जो कि अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और इसमें खास बात ये है कि 100 MB से कम है और ये बड़ा ही अच्छा है गेम है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कुछ खास कैरेक्टर्स होते हैं, आपको एक कैरेक्टर होता है आपके पास और उसमें ट्राइंगल्स रेक्टेंगल सर्कल्स वगैरह होते हैं और उनको आपने जंप करना, सबके ऊपर जंप करना होता है और उनको फिल करके आप विजेता बन जाते हैं। तो दोस्तों ये गेम बड़ी अच्छी है। और जो अगला हमारा ऐप है वो है एजुकेशन के लिए, जो कि है फोटो मैथ। आप बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होगा और जिन लोगों ने अभी तक इसका नाम नहीं सुना तो प्लीज़ आप ये देख सकते हैं। तो ये फोटो मैथ है, ये आपको कैलकुलेशंस एलजेब्रा वगैरह को सॉल्व करने में बड़ा ही कारगर साबित हो सकता है। मान लीजिए मैंने, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक पेपर पर लिख रखा है कोई भी कैलकुलेशन और मैंने उसको सॉल्व करनी है, मैंने क्या करना है, इस ऐप को ओपन करना है और उसको स्कैन करते हुए आपके पास रिजल्ट निकल आता है। दोस्तों उसमें से एक खास बात मुझे ये लगी कि आपको ये साथ के साथ ये भी बताता है कि कैसे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आपको सॉल्विंग क्राइटेरिया भी बताता है। दोस्तों ये हमारा था एजुकेशन रिलेटेड। अगला जो है हमारा उसका नाम है बड़ा ही फोटो एडिटिंग। आजकल ज़माना इंस्टाग्राम पे लाइक्स फॉलोअर बढ़ाने का, तो उसमें से ये होता है कि लोग फ़ोटो को बड़ा अच्छे से एडिट करते हैं। तो एंड्रॉयड में जो ये एडोबी की तरफ से आया है, इसका नाम है लाइट रूम। अगर आप प्ले स्टोर पर जाते हैं तो ये आपको फ्री मिल जाएगा, लाइट रूम है इसका नाम। और इसमें ख़ास बात ये है कि आप जैसे हम इसी में अडोब फोटोशॉप को यूज़ करते हैं, ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, वेरा इजी टू हैंडल है, जैसा कि हमारा स्नैपसीड हो गया, पिक्सआर्ट वगैरह हो गया। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली अगर आपके पास कोई फ़ोटो है, अगर आप फोटो को एडिट करना चाहते हैं तो उसमें आप सैचुरेशन से लेके एक्सपोजर ईच एंड एवरीथिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं। इवन कि आप वेदर को भी चेंज कर सकते हैं, सनी को आप कुछ भी रेनी सीजन बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर बहुत रेन हो रही है और आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा फोटोग्राफी का जो था ऐप। तो जो अगला ऐप है वो भी एक गेम है, जो कि माइंड के रिलेटेड गेम है। और इसमें आपको क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ सॉल्व करना होता है। इस गेम का नाम है इन्फिनिटी लूप। ये बड़ी ही पॉपुलर गेम है और बहुत कम लोगों को लेकिन पता है इसके बारे में, खासकर मेरे फ्रेंड्स में और कह सकते हैं आप कुछ भी। ये आप गेम ज़रूर इंस्टॉल करें, इन्फिनिटी लूप। इसमें क्या होता है, आपको सर्कल्स को ज्वाइन करके एक पैटर्न कंप्लीट करना होता है और उस पैटर्न से आप लेवल अप हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इसमें इनफाइनाइट लेवल्स हैं। जी हाँ, इनफाइनाइट लेवल्स हैं और आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे पाँच कमाल ऐप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें हमारे चैनल को और बेल के आइकन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक करें, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो और लोगों के पास ये वीडियो पहुँचेगी और उनको भी इस वीडियो से कोई ना कोई फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों यही था बस। जय हिंद।